नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। गाइस, अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो सीएससी की तरफ से आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट दी गई है, जहां पर सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल में एक और सर्विस को लाइव कर दिया गया है, जहां पर इस सर्विस का उपयोग करके आप अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं। तो गाइस, क्या सीएससी की बड़ी अपडेट, इसके लिए आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है और आपको इसके लिए क्या कमीशन दिया जाएगा, इन सारी चीज को आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। साथ में अगर अभी तक आपने चेक गुप्ता हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बीएलई भाई, क्या है सीएससी की बड़ी अपडेट, इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, जहां पर ट्वीट करके इसकी जानकारी को साझा किया गया। जैसा कि बीएलई भाई आप यहां पर देख सकते हैं, आईआरसीटीसी न्यू पोर्टल के बारे में यहां पर जानकारी को साझा किया गया है, और यहां पर नीचे एक और जानकारी दी गई है, सीएससी न्यू B2B आईआरसीटीसी न्यू पोर्टल इज लाइव ऑन ऑल एक्टिव बीएलईज। और नीचे एक और जानकारी दी गई है कि जिन लोगों का अभी तक सीएससी आईडी एक्टिव नहीं हो पाया, वो अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के जो आईडी पासवर्ड है या फिर सीएससी आईडी से ही लॉगिन कर सकते हैं, जहां पर उनको सीएससी आईडी से भी लॉगिन की सुविधा दी गई है। यहां पर बैनर में भी अच्छी जानकारी को दी गई, इस बैनर को आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ आईआरसीटीसी न्यू पोर्टल, सीएससी न्यू B2B आईआरसीटीसी पोर्टल इज लाइव फॉर ऑल एक्टिव बीएलईज, और यहां पर एक लिंक आपके साथ शेयर किया गया है। बिल में नीचे यहां पर एक और जानकारी आपके लिए दी गई है, जिन लोगों का अभी तक सीएससी आईडी एक्टिव नहीं हो पाई, उनके लिए यह जानकारी दी गई है कि आप किस तरह से इसमें अब एक्टिव कर सकते हैं अपनी सीएससी आईडी को। जिन लोगों ने अभी तक सीएससी की तरफ से आईआरसीटीसी आईडी को नहीं मिला, उनके लिए भी काफी अच्छी जानकारी दी गई है। यहां पर एक लिंक आपके साथ शेयर किया गया, इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहां से आप टिकट बुक करते हैं। गाइस, मैंने भी सीएससी से आईआरसीटीसी आईडी लेने के लिए कई बार रिक्वेस्ट किया था, लेकिन मेरी आईडी अब तक नहीं मिली थी, लेकिन नए पोर्टल के आ जाने से मुझे भी लॉगिन का अवसर दिया गया, मैं भी यहां पर लॉगिन अच्छे से कर सकता हूं और टिकट को बुक कर सकता हूं। यहां पर देखिए, आपके सामने एक लॉगिन बटन दी गई, इस पर आपको सिंपल सा टैप कर लेना है। इस पर टैप करने के बाद एक पॉपअप आपके सामने खुल के आएगा, यहां पर आई हैव रीड आईआरसीटीसी रूल एंड रेगुलेशन की बात कही गई, इस पर आपको क्लिक करके प्रोसीड लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आएगा, जहां पर आप टिकट को बुकिंग कर सकते हैं, सर्च ट्रेन कर सकते हैं, जितने भी टिकट संबंधी वर्क होते हैं आपको सब कुछ पता है, जहां पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह इस फॉर्मेट में मिल जाएगी। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, यहां पर टिकट बुकिंग करने का और PNR स्टेटस को भी चेक करने का ऑप्शन दे रखा है। जहां पर आपको जहां से जर्नी स्टार्ट करनी है और जहां के लिए जर्नी स्टार्ट करनी है, यहां पर डालना है डेट, क्लास, कोटा, उसके बाद सर्च ट्रेन पर क्लिक कर लेंगे। तो बीएलई भाई, कुछ इस तरह से सीएससी के थ्रू आप आईआरसीटी से टिकट बुक कर सकते हैं और अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं। तो गाइस, यह थी छोटी सी जानकारी सीएससी के बड़ी अपडेट के बारे में। वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।